आज हम हैं दादा लक्ष्मीचंद के सेट पर। हेलो हरियाणा की तरफ से एक प्रयास जो कि इस यज्ञ में आहुति देने का है, हरियाणा की संस्कृति को, धरोहर को बचाए रखने के लिए जो एक प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले सर, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने इस गर्मी के मौसम में 50 डिग्री में आपने हरियाणा की संस्कृति को बचाने के लिए जो प्रयास किया है, मैं इसी बात से शुरू करना चाहता हूँ। संस्कृतियाँ जितनी भी ख़त्म होती जा रही हैं और आप लोगों ने ये बीड़ा उठाया, कैसे विचार आया और कैसे, हालांकि आप शुरू से रहे हैं लेकिन इसको लेकर, इस फिल्म को लेकर कैसे विचार पनपा, कहाँ से शुरू हुआ मामला? देखिए, संस्कृति के बचाव के लिए सिनेमा एक सबसे बड़ा माध्यम है जी, और हरियाणा के अंदर सिनेमा को देखना इतना अच्छा नहीं मानते आम आदमी जी, परंतु इसका जो असर है आम आदमी में बहुत ज़्यादा होता है। और इसको बढ़ावा देने के लिए यशपाल शर्मा जी ने कहा कि हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में कोई ऐसी रचना का गठन करें जो आम आदमी तक जाए, और उसमें दादा लक्ष्मीचंद एक ऐसी शख्सियत हैं जिन पर फिल्म बनाना बहुत ही सार्थक रहेगा। ये सोचकर यशपाल शर्मा जी और राजू माल की एक बैठक हुई और उसमें कहा कि यार कोई फिल्म बनाई जाए हरियाणा जिसमें नाम हो, रोशन हो। तो राजू माल ने भी कहा एक लक्ष्मीचंद जैसा विषय तो हो ही नहीं सकता। लक्ष्मीचंद के बारे में बहुत कुछ जानते हैं लोग, पर वो नहीं जानते उसके जीवन के बारे में, उसकी रागिनियों के बारे में जानते हैं। लक्ष्मीचंद कह गए, लक्ष्मीचंद ने ये कहा, दादा ने ये कहा जी, पर दादा ऐसे बने कैसे, एक प्रेरणा जो हमें मिलने वाली वो है। उसके जीवन में कितना उसने कठिन समय बिताया, कितना ताने सहे परिवार के, समाज के, और आर्थिक रूप से बहुत बड़ी उन्होंने तपस्या की है। अनपढ़ होते हुए भी इतनी अच्छी अच्छी बातें कह गए, तो एक छोटे से समय में ओनली 45 ईयर्स के अंदर जी वो सब कुछ ये कर गए जिसको हम आज पर्दे पर दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सिनेमा के माध्यम से आम नई जनरेशन तक भी जाएगा। आपकी बात से कयास लगा पा रहा हूँ मैं कि कहीं ना कहीं ये आने वाले युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत होने वाली है फिल्म, और जो नव कलाकार हैं उन्हें एक रास्ता, मार्गदर्शन उनके लिए होने वाला है। बिल्कुल सही फरमाया जी। अभी इसका जो म्यूजिक है जी, वो इस तरह से मतलब उत्तम सिंह जी ने इसका म्यूजिक दिया, उसमें देखा है कि आज की युवा पीढ़ी और जो पुराने हैं जो परंपरागत इन नागरिकों को गाए जा रहे हैं, उसमें एक ऐसा सामंजस्य स्थापित किया है ताकि उनको भी अपना लगे और नए को लगे कि हाँ ये कुछ नया है जी, ये वो, ताकि उसके साथ जुड़ सके। अपना नया और पुराने की जब बात की, क्योंकि आप उस ज़माने से जुड़े हैं जब पहली फिल्में की बात की जाती है, चंद्रावल और लाडो बसंती और इस तरह की जो फिल्में आई, आपने वो दौर देखा है और आज का दौर, इतना अरसे का जो गैप है, कैसे उसे हम भर पा रहे हैं और कैसे वो बैलेंस हो पा रहा है? गैप इसलिए रहा कि आज भी हम ये जो फिल्म बना रहे हैं, हमें भी बहुत कठिनाई का महसूस हो रहा है क्योंकि सरकार का किसी प्रकार का भी सहयोग नहीं है। उस समय भी चंद्रावल बनी है, तो चंद्रावल में लोगों ने, देव शंकर प्रभाकर जी ने, उषा शर्मा जी ने जी, लोगों से जो इस विचारधारा के लोग थे, पैसा इकट्ठा करके फिल्म बनाई। सरकार का उसमें भी कोई योगदान नहीं था। बनने के बाद टैक्स माफ हुआ, दैट इज सेपरेट थिंग जी। आज भी फिल्म बनाने में हमें जो कठिनाई आ रही है आर्थिक रूप से, इवन परमिशन के लिए, हमने परमिशन के दो बार लिख के दे दिया, आज तक हमारे पास परमिशन देने के लिए वो जो चिट्ठी भेज दी है जी, ये है वो, बिल्कुल दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। गवर्नमेंट का इतना उदासीन रवैया है सिनेमा के प्रति, लोगों का तो है ही, गवर्नमेंट का भी है, और पॉलिसी बनी है, हमें नहीं पता उसका क्या हद तक किसको मिल रही है, क्या मिल रही है, क्या गाइडलाइंस है। उदासीनता बहुत ज़्यादा है और आदमी जब उससे पैसा इकट्ठा करके फिल्म बना रहा है। फिल्म बनाना एक रीजनल सिनेमा और मेन सिनेमा में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जी, मेकिंग और टेकिंग तो सेम ही होती है उसकी, केवल आर्टिस्ट का खर्चा फर्क पड़ता है जी। वो इस फिल्म के अंदर भी आर्टिस्ट, बॉलीवुड के भी आर्टिस्ट हैं, मेघना मलिक है, इसी फ्रॉम बॉलीवुड, इसी फ्रॉम मेघना जी, बट हमने उन सबको, हरियाणा के आर्टिस्ट को जो जहाँ भी है जोड़ा है, वो उनको अभी बड़ा अच्छा योगदान रहा कि एकदम आ गए, अब बन रही है, दादा पर बन रही है, हमारे चिंता ना करो। आपकी एक बात में मुझे याद आता है कि मैं चला था जानवे मंजिल अकेला ही, लोग मिलते गए और कारवां बन गया, तो मुझे ये यकीन है कि आपने जिस तरह से जो मेहनत की है, यकीन मानिए आप हताश नहीं है और आपने जो कदम उठाए ज़रूर कामयाबी, इसमें पूरा पूरा देश आपके साथ होने वाला है, आप देखिएगा जल्द ही।
अब मैं चाहूँगा कि इस वक्त इस पूरे जो इस यज्ञ में जो आहुति गई है उसमें आप अपनी भूमिका के बारे में बताएं, किस तरह से आप। मेरी भूमिका इस फिल्म में जो है ना एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की है जी, प्रोड्यूसर राजावत जी और जिस विद्या फिल्म है जी, तो उस प्रोड्यूसर को एग्जीक्यूट करना ऑन लोकेशन, तो वो रोल मेरा है जी। और साथ में एक छोटा सा रोल भी इसमें जहाँ भी लगेगा हम करेंगे, लगे रोल इज सेपरेट थिंग बट टू एग्जीक्यूट एग्जीक्यूशन में करना जी, वो एक अहम रोल है मेरा इस फिल्म के अंदर। और हम यही चाह रहे हैं कि ये फिल्म इस जैसी लोकेशन में आए, गर्म जगह है, गांव जमाल के अंदर आए, हमारे यहाँ जगत परदेसी जी से मिले, उन्होंने कहा यार मेरे गांव में आइए, तो उन्होंने बड़ा योगदान दिया। रात को फ़ोन करते हैं, सुबह फ़ोन करते हैं जी, झगड़ा भी करते हैं, फिर मिल जाते हैं, ये चलता रहता है। पर उनका बड़ा अच्छा योगदान है, यहाँ के लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं, सामान हमारी गाड़ियाँ यहीं छोड़ के चले जाते हैं, फैसिलिटीज मिलती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम बार बार इनके पीछे से ही बोलते हैं, गाँव के लोग बड़े अच्छे, तो ये गाँव बहुत अच्छा है और ये उत्साहित हैं कि कब ऐसी फिल्म आए। उनके लिए सीखने को बहुत कुछ है कि हमने तो बच्चे बोल देते हैं साउंड कैमरा एक्शन, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं। और जब इस तरह की फिल्में बनेगी, लोग कामयाब होगी, तो और भी फिल्में बनेंगी, लोग यहाँ बिजनेस आएगा जी, सरकार को भी फायदा होगा, सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो ये मेरा मानना है कि हमें सरकार आए आगे सर स्टेट कर रही है हमारे, पता नहीं वो सोचते हैं कि सिनेमा के लिए पैसा देना तो ऐसा वेस्ट करना है जी, नो, इट इज़ गिविंग इम्पैक्ट। हमारी कल्चर पर इतनी फिल्में बन रही हैं, दबंग बन गई और सुल्तान बन गई, हमारी लैंग्वेज बन रही है, और हम बनाए तो कोई बेशक बेशक बेशक, तो हमें बनाना चाहिए और हमें एक दूसरे की फिल्मों को देखना भी चाहिए जी, कोई बिना किसी ग्रुप के, ये हमारी अपनी कल्चर है, कोई भी अच्छा काम करे उसको सहयोग करना चाहिए। ये एक प्रकार की आहुति आहुति है जी, बड़े से बड़ा एक्टर छोटे छोटे आदमी कहता है जी मेरा कहीं दर्शन हो जाए इस फिल्म के अंदर, मेरे कहीं हो जाए, तो ये एक आहुति है किसी भी रूप में हो जाए, चाहे उसके बिहाइंड द कैमरा और इन फ्रंट ऑफ द कैमरा जी। हम बात करते हैं कि हम काम तो कर रहे हैं, अब हरियाणा में क्षेत्रीय सिनेमा की अगर हम बात करते हैं, और हमारे सामने बॉलीवुड का सिनेमा है, उसके सामने टिक पाना और जो खर्च और आर्थिक जो पक्ष है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि हरियाणा के संदर्भ में जब आपने शोध किया होगा तो कैसा महसूस कर रहे हैं? ये आर्थिक जो रिकवरी है जी, जो रिटर्न है जी, जो लगा रहे हैं, कोई भी बिजनेस करता है जी तो सोचता है कि इसमें इतना रिटर्न होगा नहीं होगा, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो फिल्म का अगर कनेक्ट कर जाती है पब्लिक से, जो बनाया जा रहा है अगर उनको पसंद आता है, वो तो एक ही सिनेमा हॉल खोल कर देता है जी। आजकल ये नहीं कि हमारा फील्ड कितना है, हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी है, राजस्थान है कुछ, और हरियाणा के अंदर भी आप सोचिए अम्बाला की अलग भाषा है, वहाँ अलग चाहिए, रोहतक की अलग है, अलग यहाँ की अलग ही है, तो उसमें भी अलग अलग है। पर इस फिल्म में रखा हमने कम्बिनेशन कि जहाँ भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में लगेगी हरियाणा के अंदर कम से कम, उनको लगेगा हमारी अपने वो तमाम रंग देने की कोशिश की, रोहतक और सोनीपत उसमें सब जोड़ा गया। और फिल्म पसंद आएगी, ये केवल रीजनल सिनेमा मत हो इसको जी, ये इंटरनेशनल सिनेमा बनने जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, इसमें इसका एक वर्जन बनेगा इंटरनेशनल जी, एक नेशनल और जी, और ये दो भागों में बन रही है। अच्छा, दो भागों में, अब ये फर्स्ट भाग है, जब तक सेकंड भाग में यशपाल जी पूरे फुल फॉर्म में के अंदर आएंगे जी, इसमें उसका बचपन और युवा है लोकेशन का, बचपन में कैसे युवा में कितने प्रसिद्ध हुए, फिर क्या उनको तकलीफें आई, और नेक्स्ट पार्ट में उनका किस तरह से उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ और जो बातें उस टाइम में कही गई वो आज कैसे साबित हुई, अनपढ़ होते हुए उन्होंने ऐसी बातें कर दी, कहते ना ऐसा वक्त आएगा बटन दबाओगे सैम चांदना हो जाएगा, उस टाइम कह दी वो कह दी अब ट्यूब बल्ब जलाते हैं हिसाब दोनों को वीर मर्द दोनों कमाओगे फिर भी ना हो गुजारा, वो हो रहा आज हो रहा है दोनों गुजारा, क्या बात है, वीर वो गाड़े से हटेंगी वो भी उसने गाया है, कोई नहीं सिर्फ दुनिया रखा राजी जी जी, तो कहा उन्हें अच्छा बुरा दूसरी बात है, पब्लिक के लिए जो ऐसा होगा तुमने परसेप्शन से है वो हम अपने सकारात्मक रूप से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें बहुत ही लोग जुड़े हुए हैं, किसी भी आर्टिस्ट को हम बोलते हैं इसमें हाँ मेरा इसमें आज तो बड़ा अच्छा जी, तो बहुत ही मन से लगे हुए जी। एक आखिरी छोटा सा चलते चलते सवाल है कि हरियाणा में आप करीबन पिछले 6 महीने से शोध कर रहे हैं, उसके बाद आप शूटिंग पर हैं और पूरी आपकी टीम काम कर रही है,
इतने दिनों में जो आपने जहन देखा, यहाँ के लोगों का, लोगों का रुझान देखा है, आने वाले वक्त में हरियाणवी सिनेमा को कहीं आप देख पा रहे हैं? बहुत अच्छा समय आ रहा है जी, आपके देख रहे हैं एल्बम भी जो बन रही हैं जी, आपके जो गाने बन रहे हैं उनमें भी काफ़ी परिवर्तन आया है, भोंडापन नहीं एक्सेप्ट करते जी जी जी, और वो सोच रहे हैं लोग, किसी को वैसे नहीं रोक सकते आप, जब उसका फिल्म बुरी फिल्म चलेगी नहीं, बुरा गाना या द्विवर्ती गाने जो आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करता जी, तो सोच रहे हैं, मेकर भी सोच रहे हैं और एक्टर भी सोच रहे हैं कि यार ऐसे मत बनाओ जिससे हम बदनाम हों, तो सोच बदल रही है और सिनेमा अच्छा आएगा, बिल्कुल भविष्य अच्छा है, सार्थक काम होने जा रहा है, ये बहुत अच्छा एक ऐतिहासिक काम हो रहा है जी। कल ही हम कह रहे थे हमारे जो कभी सेट लग रहा है तो उसमें बड़ा तोड़ फोड़ करके आश्रम बनाया जा रहा है सोहन लाल का, जिसमें गाने वाने होंगे जी, तो बहुत उसमें लगभग लाखों रुपया खर्चा कर रहे हो जी, तो हमने कहा मतलब ये जसराज फिल्म नहीं है जिसमें इतना पैसा रिकवरी कम होगी, जरा ध्यान से करो जी। तो इस पर शर्मा जी ने कहा कि हरियाणा की यशराज फिल्म है। वाह वाह वाह, आप समझो, बहुत अच्छी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले वक्त के लिए, और आपने हमें समय दिया, हेलो हरियाणा को आपने समय दिया, और आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए हम अपने हेलो हरियाणा मैगजीन की तरफ से बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं और धन्यवाद करते हैं आपके। शुक्रिया मैडम। सबसे पहले तो शुभकामनाएं हरियाणा की संस्कृति के लिए, हम लोग से भी एक साथ चले हैं। थैंक यू वेरी मच, और आपको भी शुभकामनाएं जी, और बहुत बहुत बधाई जी। आज जो वो वक्त आया है कि पहले फिल्म हरियाणा में जो कमर्शियल बनी उसमें आपका किरदार और उसकी आपकी मेहनत और आपका कंट्रीब्यूशन, और आज इतने अरसे बाद फिर से हरियाणा में एक ऐसा मेला लगा है, एक ऐसा चारों तरफ आपने देखा कि जो कल्चर बना है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत अच्छा महसूस, क्योंकि आज जो ये फिल्म हो रही है जी, एक बहुत ही महान व्यक्ति के बारे में है जी, दादा लक्ष्मीचंद जी, अपनी लोक संस्कृति के बारे में जो उन्होंने काम किया उसके बराबर तो किसी ने भी नहीं किया जी, और उनका जो दर्शन था और जो उनकी सोच थी जी, वो बहुत एडवांस थी जी, वो भविष्य की बात सोचते थे जी, तो एक तरह से जीनियस थे वो जी, और जब उनकी कहानियां मुकेर रहे हैं, उनकी कहानी बना रहे हैं, तो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ जी, और बहुत अच्छा लग रहा है आगे। आज इतने से बाद हरियाणा की परिस्थितियाँ बदली हैं, वातावरण बदला है, गांव माहौल संस्कृतियों में तमाम बदलाव आए हैं, और एक आपके साथ जो नव युवक और जो नौजवान साथी आए हैं इस वक्त, कैसा सामंजस्य स्थापित हो पा रहा है? देखिए होता क्या है कि कितना भी बदलाव आता है पैसे से जी, बिना पैसे बदलाव नहीं आता जी, और जो ये एक क्रांति आई है, मतलब प्रॉपर्टी के रेट इतने बढ़ गए और आपके ज़मीनें इधर उधर ली जा रही हैं, एक्वायर हो रही हैं, तो बहुत सारा पैसा लोगों के पास आ गया, वैल्यूज़ बदली जी, लेकिन ये है कि फिर भी अगर हम अपने नौजवानों को एक अच्छी दिशा दे सकें, उनके विचार वैचारिक लेवल पे जी उनको प्रभावित कर सकें, और जो हो रहे हैं जी, ऐसी बात नहीं है नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो आप देखो पूरी टीम में इतने यंग लोग हैं हमारे साथ जी, जी सब काम कर रहे हैं, मतलब बदलाव हो रहा है जी, तो अगर हम एडल्ट्स, हम जो बड़े लोग हैं जी, बुजुर्ग लोग हैं, अपनी जिम्मेदारी समझ के और उनके उनको साथ लेके चलें, तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। बहुत अच्छी बात है जी। थोड़ा सा अपने किरदार के बारे में फिल्म में जिस तरह से आपकी भूमिका रही है इस फिल्म में, ये है मैं लक्ष्मीचंद की बड़ी बहन हूँ जी, जो विधवा हो गई थी, और लक्ष्मीचंद तो बाहर रहते थे घर से, उनका जो घर का चलाना और घर की जो जिम्मेदारियां थी जी, वो ये बहन पूरा करती थी जी, पूरे घर की जो देख रेख थी, धंतो नाम है उसका, धंतो हाँ, सो जो ये धंतो जीजी है कॉलर, वो बहुत एक रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर है जी, आपको फिल्म में शायद थोड़ा दिखे, एक तरह से धूरी का काम की उनका जो बेस थी उनकी बड़ी बहन, वाह वाह, और घर संभला रहेगा जी जी जी, तो फिर आपका एक नर्व सेंटर है घर जी, वहाँ से डिस्टरबेंस होती रहेगी, वहाँ से बुलावे आते रहेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। लक्ष्मी दादा जो आगे बढ़ पाए जी, उसकी धुरी ये दंतो थी, उनकी बड़ी बहन के नाते जो आपका किरदार रहेगा इस पर जी। तो इस पूरी फिल्म में जिस तरह से आप हमारी टीम के साथ जुड़ी हैं, और जो जो लोग बाहर से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, जो परिवेश बन रहा है, आने वाले जो हमारे और साथी लोग हैं, जैसे हरियाणा फिल्म पॉलिसी भी बन रही है और इम्प्लीमेंट भी होने वाली है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग सब उसका लाभ भी ले पाएंगे,
तो जो कलाकार हमारे साथी हैं और जो नए जो हमारे प्रोड्यूसर और जो इस तरह के जो हरियाणवी क्षेत्रीय सिनेमा को लेकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक सीनियर होने के नाते आप किस तरह से हमें मार्गदर्शन करें, उनका रास्ता क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि फिल्म पॉलिसी बहुत साल से बन रही है और अब अगर बन तो गई है, लागू हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी जी। और इसके लिए मैं जो सरकार को बधाई देती हूँ, सरकार को इसलिए बधाई देती हूँ, बधाई हम लोगों को भी है, इसलिए देती हूँ कि उन्होंने किया और सरकार की जिम्मेदारी है आपके आर्ट एंड कल्चर और आपकी संस्कृति को संजोए रखना, क्योंकि जेब से पैसा खर्च करके एक इंडिविजुअल बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सरकार भगवान की जगह होती है और वो कर सकती है। बहुत अच्छी बात मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो हरियाणा के लिए समय निकाला है और आने वाले वक्त में हम आपको थैंक यू वेरी मच आपने कि हमारी इस फिल्म को खूब चार चांद लगे और आपका रोल आने वाले हमारे नौजवान साथी। देखिए, चार चांद लगाने के लिए आप लोगों का सहयोग लगेगा जी, हम लोग तन मन से आपके साथ, क्योंकि हमारे हरियाणा में एक समस्या है कि ऑडियंस नहीं है, ऑडियंस नहीं, तो उसको लाना आप भी सोचें, हम भी सोचें कैसे लाएं। जब एक फिल्म चलती है जी तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है जी, बहुत सारे लोग और संस्कृति सहेजी जाती है, वो रहती है। हम लोग सब आपके साथ रहेंगे, बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है, मिलजुल कर हम हरियाणा के लिए काम करें। ऑल द वे विद यू। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। इस नेक काम में आपकी आहुति के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। अपने रोल और इस किरदार, इस पूरे माहौल में, इस टीम वर्क में कैसा अनुभव हो रहा है और अपने रोल के बारे में बताएं। यशपाल शर्मा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये जी, और बड़े दिल से काम कर रहे हैं और जिस ढंग से वो काम कर रहे हैं, जिस ढंग से मेहनत कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे एक जुनून होता है ना, मतलब एक जुनून की हदें पार कर दी उन्होंने, इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जहाँ तक मेरे किरदार की बात है, बहुत छोटा सा किरदार है, वैद्य का किरदार है मेरा, तो इसमें जो लक्ष्मी चंद के ऊपर वो जहर खिला दिया जाता है तो उसका इलाज करने का, तो ये जो प्रोजेक्ट है, मतलब यूँ समझ लो कि हम सबका एक सपना है, हमें सबको ये लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ गुल खिलाएगा और ये एक हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री में एक मील का पत्थर साबित होगा। बेशक, बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए आपको। थैंक यू। सलीम है, और सलीम का भी एक किरदार, एक रोल और बहुत कंट्रीब्यूशन है। हरियाणवी पगड़ी आपने गाया है और इस फिल्म में किस तरह से काम कर रहे हैं सलीम? अविद सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, जो आप इतनी दूर हरियाणवी एक संस्कृति की एक नई फिल्म लक्ष्मीचंद जी बन रही है कुरुक्षेत्र से स्पेशली इस काम के लिए आप आए, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया। और जैसे कि मेरी बात है तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2011 में KUK यूनिवर्सिटी में रत्नावली फेस्टिवल में मैं पगड़ी सॉन्ग की प्रस्तुति दे रहा था, तो यशपाल सर उधर अतिथि मुख्य अतिथि के रूप में आए, तो मैं उन्होंने जैसे ही स्टेज पर पहुँचे तो मैंने पगड़ी से उनका स्वागत किया। डॉक्टर महा सिंह पुनिया जी ने एक नई रीत चलाई थी, तो वहीं से एक छोटी सी उन्होंने कला देखी, पगड़ी बड़ी ज़बरदस्त बांधते हो सलीम, आप गाते भी अच्छा हो, तो उसके बाद उन्होंने SP चौहान में मुझे बुलाया स्पेशली अपने रोल के लिए कि सलीम तूने स्पेशली पगड़ी के लिए आना है, तो उसके बाद उन्होंने सॉन्ग सुनते रहे, थोड़ी बहुत एक्टिंग वैनिटी में बैठते थे फ्री टाइम में तो बातें करते रहते, थोड़ा सा एक्ट करते रहते थे उस दौरान, फिर उन्होंने मेरे को बोला यार लक्ष्मीचंद मैं फिल्म बनाऊंगा सलीम, और तूने ना फोक कॉस्ट्यूम का थोड़ा सा अनुभव है जी, तो मैं चाहूँगा कि तू काम संभाले। मैंने कहा बिल्कुल सर, अगर हरियाणा की बात आती है, हरियाणा की संस्कृति की बात आती है, मैं हरियाणा की मिट्टी से जुड़ा, मेरा काम भी सांग मैंने किया है, डांस भी मैंने किया, पगड़ी में भी मेरा नाम है थोड़ा सा, मैं काम जो करता हरियाणा प्रति, हरियाणा संस्कृति के प्रति बाहर भी मैं स्टेज देता, तो उन्होंने बोला कि पगड़ी के लिए आना है, कॉस्ट्यूम के लिए और भी काम तुझे देने, मैं आ गया। बैठे बैठे एक दिन होटल में बोला कि यार तेरे को एक छोटा सा रोल भी करना, मैं सर मैं रोल करूँगा एक्टिंग के अलावा, हाँ हाँ चल तू अपने बाल कटवा के ऐसे ही करा के मैं तुझे, तो इस फिल्म में लक्ष्मीचंद का जो जवानी का रोल है उनके मित्र जयलाल का मैं रोल अदा कर रहा हूँ, और एक पहली बार बड़े पर्दे पर काम कर रहा हूँ, बड़ा प्राउड भी महसूस हो रहा है, एक खुशी भी हो रही है कि भी स्टेज पे गाता था थोड़ा बहुत तो पगड़ी बांधने वाला, और एक बड़े पर्दे पे दिखेगा तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हरियाणा के लिए फ़ख्र की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि मैं हरियाणी संस्कृति की एक इतनी बड़ी बजट की फिल्म बन रही, जिसको खुद यशपाल सर डायरेक्ट कर रहे हैं, और वो इतनी मेहनती है, उनकी जितनी तारीफ करें वो तो सभी जानते हैं, उनकी तारीफ जितनी करें उतनी कम है,
और मुझे उन्होंने ये चांस दिया, मुझे इसका मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। हेलो हरियाणा की तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं, थैंक यू सर, थैंक यू। कार्यवाह हमारा और आगे बढ़े, बिल्कुल सर, सब मिलकर चलेंगे सर। जी सर, जी सर, थैंक यू। हमारे दादा लक्ष्मीचंद के सेट पर जो पूरा ये सिस्टम जो सेटअप लगाया गया, हमारे जगतू ताऊ जगत प्रसाद जी हमारे साथ हैं, आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा के इस यज्ञ में आहुति देने के लिए, जिस तरह से आपने रात दिन एक कर दिया है, और हमारे सारे कलाकार साथियों के लिए जो आपने ये जो काम किया है, हम पूरे हेलो हरियाणा की टीम से आपका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। हरियाणा के लिए आपने काम किया, अब ये जानना चाहते हैं इतनी पूरी मशक्क़त में कैसे कैसे काम चल रहा है, इतनी गर्मी में कैसे काम कर रहे हैं आप? काम तो आप मेरी हालत देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। बाकी पूरी जो यूनिट है जी, पूरी यूनिट जी जान से सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक काम करती है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहूँगा कि दादा यशपाल जी हैं, वो खुद इस कड़ी धूप में रेस्ट नहीं करते हैं, तो जब जैसा इरादा होगा वैसी तो पर्दा को तो होना ही पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यशपाल जी खुद सुबह सबसे पहले उठते हैं और सबसे लेट सोते हैं। हाँ। तो कैसा शेड्यूल रहता है, किस किस तरह की कार्यवाही आपकी जिम्मेदारी रहती है? यहाँ का कंप्लीट लोकेशन है। हाँ। या लोकल में जो भी चीज़ें चाहिए। हाँ। या कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल करवानी है, तो ये सारी जिम्मेवारियाँ मेरी होती है और सबसे पहले जागना पड़ता है। सबसे पहले जागना। हाँ। और सबसे लेट सोना। और एक चीज़ बताऊँगा मैं, 5:30 बजे नेट 5:30 बजे दादा का कॉल आ जाता है कि जगत रेडी है। मैंने कहा हाँ दादा रेडी हूँ, चाहे बेशक मैं बिस्तर में हूँ मगर मुझे उस टाइम यही बोलना पड़ता है कि दादा मैं रेडी हूँ, 15 मिनट में मैं निकल लेता हूँ। इतनी जो पीछे इस पूरी टीम में जो आग है ना, कोई एक कारण सबके साथ एक जैसा है, क्योंकि सारे स्पिरिट में है, सबके अंदर पूरा जोश है, वो क्या है? क्योंकि ये इतिहास बनने जा रहा, इतिहास बनने जा रहा है, और हर कोई ये चाहता है कि इस इतिहास का मैं हिस्सा बनूं। बेशक, क्योंकि चंद्रावल के बाद अगर कोई इतिहास रचेगी फिल्म, तो मैं दिल से कहता हूँ कि दादा लक्ष्मी। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, और पूरी टीम हेलो हरियाणा की आपका धन्यवाद करती है और शुभकामनाएं देती है। और मैं भी हेलो हरियाणा टीम का जी दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इस पावन धरती पे, पावन ही कहूँगा, कि जहाँ दादा लक्ष्मी जी 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 का चरित्र चित्रण हो रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये मेरी जन्मभूमि भी है। अरे वाह, ग्रेट। तो कुछ आप इसमें भूमिका किसी तरह की अदा कर रहे हैं? हाँ, जी। मेरा एक कंटिन्यूटी का है, झाड़फूक वाला बाबा हूँ मैं। ठीक है जी। तो वो रोल कैसे करते हैं, रोल क्या करके दिखाएं जरा सा? बस वही, जैसे एक चीज होती है कि पुराने टाइम में नहीं, आज भी होता है कि लेडीज सबसे ज्यादा विश्वास करती है झाड़फूक वाले बाबाओं पे। तो ये दादा लक्ष्मी की माँ है, वो मेरे पास आती है कि मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो गया है, किसी ने पता नहीं क्या कर दिया है, तो आप उसका झाड़ फूंक कीजिए। तो मैं उसका हर बार झाड़ फूंक है वो करता हूँ, वो नीम के पत्ते और वो हुआ हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके किरदार और इस काम के लिए, धन्यवाद। शुक्रिया। अपने किरदार के बारे में और कैसा अनुभव है इस वक्त, थोड़ी सी हम चाहेंगे आपसे जानकारी। निश्चित तौर से बहुत ही शानदार अनुभव। सबसे पहली बात तो कि जिनके आप मुरीद रहे हों, आदरणीय यशपाल शर्मा सर, उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं की टीम में काम करना वाकई बहुत बड़ी बात है जी। और सौभाग्य के पल हैं ये वाकई जी। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि एक बहुत ही पवित्र मुहिम है, अपनी माटी के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए सोचते बहुत लोग हैं लेकिन कर बहुत कम पाते हैं जी। और मुंबई जैसी चकाचौंध वाली महानगरी में जाकर के वापस लौटना और लौट करके अपनी जन्मभूमि के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना निश्चित तौर पर बहुत बहुत बड़ी खूबी है। और हम सलाम करते हैं सर के इस जज्बे को, उनकी इस मेहनत को। और जैसा आप देख रहे हैं स्थिति जो है हरियाणा में इस समय, भीषण तापमान, भयंकर गर्मी, 48 डिग्री तक टेम्परेचर जहाँ पर जा रहा हो, ऐसी स्थिति में भी पूरे जज्बे और जुनून के साथ दिन रात अपनी सेहत की परवाह किए बगैर जिस तरह से पूरी टीम जो है लगातार लगी है जी, तो निश्चित तौर पर एक ऐसी चीज निकल करके सामने आएगी जो इतिहास रचेगी। मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पर यह फिल्म जो है इतिहास रचने जा रही है। बड़ी अच्छी बात है कि इस वक्त पूरा हरियाणा इस सिरसा के इलाके में इकट्ठा हुआ है जी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चारों तरफ अपने सभी साथियों से मिल रहा हूं, तो यूं लग रहा है कि कोई एक शख्स बाकी नहीं है जो संस्कृति से जुड़ा हो, जिसने हल्का सा भी उसके लिए काम किया, वो यहां पर मौजूद है और बगैर किसी बुलाए। बहुत अच्छी बात है, और सभी जो हैं बहुत ही सहयोग कर रहे हैं, सभी साथ होकर के आ रहे हैं। और संस्कृति के प्रति जिन अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरह से जो लोग काम कर रहे थे, उन सबका एक ही प्लेटफॉर्म पे आना, एक साथ होकर के काम करना और निष्पक्षता के साथ काम करना,
और पूरी तरह से समर्पण भाव से काम करना, ये बड़ी खूब जी। अपनी कोई भूमिका जो इस वक्त आपकी इस फिल्म में है और किस तरह से? ये वाकई सौभाग्य की बात है कि लक्ष्मीचंद की पत्नी का जो रोल है, भरपाई कैरेक्टर का नाम है, वो करने का उत्तरदायित्व है। और मेरी इच्छा है कि मैं उस जिस विश्वास से ये निर्णय दिया गया है और ये रोल दिया गया है, मैं उस पर खरी उतरूं, पूरी कोशिश रहेगी। कैसा लगता है कि जब तीन तीन खानों के साथ और वो बॉलीवुड और हॉलीवुड में हर जगह अपनी धाक जमा चुके, अपनी आवाज़ की वजह से, अपने किरदार की वजह से, तो जब उनके साथ होते होंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि आप भी रेडियो की हमारी एक पूरी धुरंधर रही हैं और आप चलचित्र में भी हैं, बावजूद उसके एक फ़र्क पड़ता है जैसे कि आपके सामने जब आते हैं तो यशपाल जी के साथ कैसे सामंजस्य बनता है? बिल्कुल, क्या मैं आज सुमित्रा मैम थी, सुमित्रा हुड्डा पेडनेकर जी, उनसे बात चल रही थी तो मैं वही कह रही थी कि बड़ी शख्सियतें जब आपके आसपास होती हैं तो उनका प्रभाव मंडल कुछ अलग ही होता है और उस प्रभाव मंडल से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसी शख्सियतों का अपने आसपास होना, थिएटर खूब किया हमने, बहुत ज्यादा किया, लेकिन बहुत सी बारीकियां जो वहाँ चूकी हैं, छूटी हैं, वो आज इन लोगों को देखने भर से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उनके साथ काम करना तो निश्चित तौर पर किसी स्वप्न के साकार होने जैसा। हेलो, रहने के लिए समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं कर रहे हैं। हरियाणा की टीम को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी कि आप लोग बहुत अच्छे से बारीकी से काम कर रहे हैं, सब आम जनता तक ये खबरें पहुंचा करके, क्योंकि हरियाणा में अभी सिनेमा जो है करवट बदल रहा है और ऐसे करवट बदलते सिनेमा के समय अगर लोगों का साथ और मिल जाए, लोग सिनेमा की तरफ आ जाए, तो एक बहुत बढ़िया प्रयास है ये इतिहास रचने। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरी विद्यार्थी रही अमन मेरे साथ हैं, एमए जर्नलिज्म हमारे यहाँ से किया, हमारे लिए फ़ख्र की बात है, हेलो हरियाणा मैगज़ीन की ओर से फ़ख्र की बात है कि अमन इस वक्त इस फिल्म में किरदार निभा रही हैं और बड़ा अहम किरदार निभा रही हैं। आइए बात करते हैं अमन से। अमन, अपने किरदार के बारे में और अपने अनुभव के बारे में बताएं। थैंक यू सर, पहली बार मैं हेलो हरियाणा पे बात कर रही हूँ जी, मेरा सौभाग्य है। इस फिल्म में अपने आप में काम करना एक सौभाग्य की बात है। पूरे हरियाणा से यहाँ पे लोग हैं, जैसे आप अल्पना जी से भी बात कर रहे थे कि सभी लोग यहाँ पे आए। इसको देख के सिर्फ इतना लगता है कि आर्टिस्ट, हरियाणा का आर्टिस्ट बेशक कहीं भी पहुँच जाए, मुंबई, NSD या कहीं भी, लेकिन वो अपनी मातृभूमि से जुड़ा हुआ है शायद, इसलिए वो कुछ ना कुछ करना चाहता है। मन में उम्मीद थी कि हरियाणा के लिए कुछ करें, कुछ कुछ करते रहते, पर पहली बार हरियाणा की इतनी बड़ी फिल्म में जो कि लक्ष्मीचंद जी पर बन रही है, जो कि हमारे ऐतिहासिक पुरुष रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस फिल्म में हम लोग काफ़ी, ये भी है उम्मीदें हैं कि ये एक बहुत, सब लोग बोल रहे हैं कि इतिहास रचेगी, और मुझे लगता है कि इतिहास रच भी चुकी है अभी। इकट्ठा यहाँ पे सारे कलाकार हैं हरियाणा के। किरदार के बारे में आप बताएं कि किस तरह का? मैं इनकी छोटी बहन का, लक्ष्मीचंद जी की छोटी बहन का किरदार, और अच्छा जो कि इनकी शायद सुनिए आप, तीन या चार सिस्टर थी, उनमें से मैं छोटी थी, उसका किरदार कर रही हूँ। आज पहला ही दिन है मेरा शूट पे, उतना अभी बातचीत भी नहीं हुई, हम पहुंचे हैं जस्ट और आकर रेडी होने लग गए हैं। चलिए आप तैयारी कीजिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले वक्त के लिए और इस फिल्म के लिए। थैंक यू। हेलो हरियाणा की टीम के साथ यहाँ की जो लोकल कास्टिंग है, लोकल लेडीज प्रोवाइड करवाने के लिए जो बहन जी हमारे साथ हैं, आप इनके साथ इनसे बात करें और इनके विचार हम सुनेंगे। आप यहाँ कैसे काम करेंगे? मेरा नाम गांव है, गांव की औरत की भूमिका, तो गांव में पहली बार आपके ऐसा हो रहा है? पहली बार देखा हमने। मतलब दादा लक्ष्मी टीम है, अपना अपना किरदार काम करते हुए इस वक्त एक बड़ा सांस्कृतिक साथ। हेलो हरियाणा मैगजीन की तरफ से सबसे पहले तो आपकी किताब के लिए बधाई। थैंक यू। जिस किताब के बाद ये हरियाणा फिल्म का कंसेप्ट और तूल पकड़ गया। बिल्कुल। और हरियाणा में आपकी उस किताब की वजह से ऐसी लहर बनी कि मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरे कुछ बच्चों ने MPhil की उस पर और आगे PhD पर काम चल रहा है, तो पहले तो शुभकामनाएं आपके लिए। और इतनी गर्मी में आपने जो ये तपस्या करी है दादा लक्ष्मीचंद के बारे में और जो आपने मुहिम छेड़ी है और सभी लोगों ने मिलके, तो यहाँ जो आपका किरदार है, भूमिका है, किस तरह से सहयोग दे रहे हैं? देखिए, मेरा किरदार जब इस फिल्म का विचार पनपा तो दूसरे दिन से मैं टीम के साथ हूँ और आज हमें 3.5 साल हो गए इस फिल्म पे यहाँ तक पहुँचते। तो जो जितना भी मेरा खुद का जो किरदार आप कह सकते हैं, तो पर्दे के पीछे का रहा है, रिसर्च का, उसके बाद कास्टिंग का, ऑडिशन वगैरह लिए हमने 12 शहरों में,
और लिखने में जो स्टोरी लिखी गई और जो उस टाइम का परिवेश था उससे संबंधित चीज़ें, उनकी जांच, जान पहचान, ये सारा कुछ काम में हम जुटे रहे, पूरी टीम थी, लोग जुटते गए। हालांकि शुरू में यशपाल जी, राजूमान और मैं, हम तीन लोग थे, फिर कारवा बनता गया और आज करीब 400 लोग यहाँ यूनिट पे डटे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हौसला किसी का कम नहीं है। जब दोपहर को जानवर भी बाहर गली में नहीं घूम रहे होते ना, उस टाइम हम लोग यहाँ पे 48 डिग्री तापमान में अकेले गलियों में, देखने वाले लोग भी नहीं है, शूटिंग चल रही है। हालांकि शूटिंग देखने के लिए गांव के खूब लोग मतलब आते रहे कई दिन तक लगातार, लेकिन अब नहीं है। अब हमारी टीम के ही लोग गर्मी में डटे हैं, अकेले जुटे हुए। ये अपने आप में ना अचंभा भी है और मज़ा भी है और सजा भी है, कई सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप हरियाणवी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। अब जब हमने ये शुरुआत की, जब आपकी टीम ने और भाई यशपाल ने और सब ने मिलकर जब काम स्टार्ट किया, तो कितना शेड्यूल आया है, कितने दिन का शेड्यूल टीम का या इस कार्यक्रम का रखा गया है? शूटिंग के लिए 45 डे का हमने शेड्यूल बनाया था, जो कि अब 60 प्लस पे जाएगा, क्योंकि जो कलाकार हैं हमारे अभी नए हैं कुछ, यशपाल भाई खुद उनको एक तरह से तैयार करते हैं और फिर बड़ी मेहनत के बाद, मतलब ऐसे इतनी मेहनत कलाकारों पे कोई नहीं करता, सीधे डायरेक्ट चाहिए सबको रेडी के, आप हमें परफेक्ट चाहिए, आपको सीन करते वक्त सारा कुछ चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यशपाल भाई खुद सिखाते हैं, खुद ट्रेन करते हैं कलाकार को, नए हैं और फिर बेस्ट दे रहे हैं सभी अच्छा। यानी 400 लोग और करीबन 65 से 70 दिन का वक्त रहेगा इस पूरी फिल्म के लिए। इंडोर आउटडोर हरियाणा के किन किन एरियाज को, किन किन कल्चर्स को कैसे कवर? मेन जो था सबसे ज़्यादा शूट इसी गांव का था, इसमें लक्ष्मीचंद का बचपन दिखाया गया है, बचपन से जवान होने तक लक्ष्मीचंद जो दृश्य थे वो सारे इसी गांव में फिल्माए गए हैं। और बाकी उनका जो दुनिया में उन्होंने सांग किए हरियाणा में, आसपास के स्टेटों में, तो वो कुछ सीन सोनीपत के इलाके में और महम वगैरह जो है ना वहाँ पे शूट किया। बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है कोई कदम उठाने के लिए जी, और 400 लोगों को लेकर और इतना बड़ा कदम उठाना। और देखिए, जैसा मैं भी देख रहा हूँ कि भाई यशपाल भी, आप लोगों ने भी अपने अपने काम छोड़े हुए हैं जी, और बड़े बड़े ऑफर छोड़े हुए हैं, तो कहीं आर्थिक रूप से किस तरह से मैनेज हुआ, इतनी हिम्मत का काम जो हुआ? नहीं, जब ठान लें तो कोई भी काम मतलब मुश्किल नहीं होता जी, इच्छा शक्ति की बात होती है, सब मैनेज हो जाता है, किया हमने भी काफी कुछ, साथियों का सहयोग मिलके काम कर रहे हैं। इस कहानी के साथ साथ और जो हरियाणवी सिनेमा का जो परिवेश में जो इतने महीनों से आप रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अभी कैसा अनुभव हो रहा है कि आने वाला समय, ये इस वक्त का जो समय हरियाणवी सिनेमा के लिए कैसा नजर आ रहा है? नहीं, अब आगे तो अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि फिल्म पॉलिसी सरकार लेके आ रही है और जो लोग काम कर रहे हैं सिनेमा के लिए, उनको कुछ ना कुछ अपने आप को मतलब सिक्योर फील कर रहे हैं वो, तो आने वाले दिनों में अच्छा होने की संभावना है, क्योंकि जब एक तरह से लागत सिक्योर होगी तो तभी कोई बाज़ार बन पाएगा। बाज़ार अपने यहाँ नहीं है सिनेमा को लेके, जैसे ही बाज़ार के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होंगी तो लोग ज़रूर आएंगे, उम्मीद यही है। हरियाणवी सिनेमा के लिए पूरा आधार बन चुका है और यकीनन हमें लग रहा है कि आपकी बातों से कि आने वाला समय हरियाणवी सिनेमा के लिए उज्जवल भविष्य रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम दादा लक्ष्मीचंद फिल्म के सेट पर हैं। हेलो हरियाणा मैगजीन की ओर से आप इस वक्त कास्टिंग से हम लोग मिलते हुए आ रहे हैं और इस वक्त हमारे सामने जो किरदार निभा रहे हैं धुलिया खां, पूरी फिल्म का सेंटर पॉइंट जिसे हम कह सकते हैं, धुलिया खान जिन्होंने दादा लक्ष्मीचंद को निखारा, उन्हें सूर्य कवि से नवाजने के लिए जो तालीम दी थी उस किरदार को निभाने के लिए हमारे साथ राजेश गोयल। राजेश गोयल जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, इस किरदार को करते हुए आपको कैसा फील हो रहा है?
फिल्म तो अच्छा ही होगा, क्योंकि हर किरदार अच्छे होते हैं, क्योंकि सबसे अहम किरदार है और इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है और आपके ऊपर एक कहीं ना कहीं जो बोझ है सांस्कृतिक जो धरोहर हरियाणा की, उसके मेन मुख्य किरदार के तौर पर कहीं ना कहीं आपको इसमें रखा गया है कि धुलिया खान जो सेंटर था, जो आपका किरदार है, वो बड़ा अहम रोल है। तो जितने दिन से प्रैक्टिस चल रही है, स्पेशली आप मुंबई से यहाँ आए हैं और 48 डिग्री दिल्ली से आए हैं, 48 डिग्री टेम्परेचर पर आप यहाँ काम कर रहे हैं और हरियाणा की पृष्ठभूमि पर जिस तरह का काम जो चल रहा है, इसको और आप फिल्म जगत में जो काम होता है, दोनों को कैसे मापते हैं? देखिए, मैं तो इतना कहूँगा कि काम चाहे बारीक स्तर पर हो, चाहे अपना 100% स्तर पर हो, हरियाणा जैसी जगह पर हरियाणा के लोग धीरे धीरे जिस तरीके से प्यार और मोहब्बत बरसाते हैं, हालांकि शुरू से, क्योंकि हमारी अखड़ बोली एक अलग बात है, लोग अखड़ बोलते हैं जी, लेकिन हर क्षेत्र की बोली अपने मिठास तो है, मिठास रखती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर होने वाला हर काम, खासतौर पर आपने मीडिया से सवाल किया है, तो मीडिया लेवल पर मैं कहूँगा कि आने वाले स्तर पर शायद वो और अच्छी फिल्में आएंगी और प्रोग्रेस होगी युवा पीढ़ी की जो इस फील्ड में लगी हुई है, जैसे कि पनघट गुलाबो या फिर चंद्रावर जैसी फिल्में यहाँ बनी हैं, जर्जर और ज़मीन, तो वो एक दौर रुक गया था शायद, आई थिंक अब वो दौर दोबारा से अपनी कल्चर को पकड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। जैसे अभी कुछ एक फिल्म बनी थी आई थिंक पगड़ी जी, नेशनल अवार्ड कितने अवार्ड लेकर आई है बेशक, तो ये हरियाणा के ही लोग हैं। आप खुद हरियाणा से हैं, कैथल के पास जीन से आपने बताया कि आप हैं और इतने साल से आप दिल्ली और हरियाणा और मुंबई पे काम कर रहे हैं। अब इस काम करने के दौरान ऐसा थोड़ा सा हमें कसक जो रहती थी कि अभी गैप आ गया था बड़ा लंबा, चंद्रावल एक ज़माना था जिस वक्त खूब सारी फिल्में बनी और ऐसी की हिट फिल्में जिनका आज तोड़ नहीं है, तो इस पूरे वक्फे को, इतने गैप को मेंटेन करने के लिए क्या आप लोगों को जब दोबारा यहाँ आए तो सेटअप में तमाम चीज़ों में दिक्कतों का सामना करना पड़ा? देखिए, दिक्कतें हर दौर में होती हैं, कई बार कुछ दिक्कतें रुक जाती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उसको देखने वाले लोग जब खड़े हो जाते हैं और उनको छेड़ देते हैं सितार की तरंग की तरफ, तो समझ लीजिए कि आवाज़ तो आएगी। तो आज जो कुछ माहौल बना हुआ, ये एक आवाज़ ही है। बहुत अच्छी बात है और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आने वाले वक्त में हरियाणवी फिल्म जगत का कैसा स्वरूप एक सीनियर कलाकार के नाते आप देखते हैं? देखिए, स्वरूप हर गति और हर समय के अनुसार बदले तो बढ़िया है जी, हरियाणा का रूप भी बदलेगा, पहले का हरियाणा कुछ और, आज का हरियाणा कुछ और, दिल वही जी, तो बस वो दिल वही रहेगा, स्वरूप बदलता रहेगा। आज अगर इंडस्ट्री इस स्तर पर काम कर रही है तो धीरे 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 करके और ऊंचे स्तर। हमें भी इस बात की बहुत खुशी है कि आपने आधुनिकता को अपनाया है लेकिन अपनी पुरानी जड़ों को नहीं भूले, वो इस फिल्म में दिखने को मिलेगा। इसी शुभकामना के साथ, इसी बहुत सारी आपकी दुआएं कि आप आगे और कामयाबी हो, हरियाणा में फिल्म जगत को आप जैसे लोगों का सानिध्य मिलता रहे। धन्यवाद। थैंक यू सर। हेलो हरियाणा मैगजीन की तरफ से सबसे पहले तो 48 डिग्री टेम्परेचर पे और सरताज का ताज छोड़ते हुए आपने मुंबई बाहर की फिल्मों के तमाम वो ऑफर ठुकराते हुए हरियाणा की इस 48 डिग्री सेल्सियस में तपती हुई भूमि पर हरियाणा की संस्कृति के लिए जो काम और जो पहलकदमी आपने की है, हेलो हरियाणा मैगजीन उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती है, इस्तकबाल करती है। शुक्रिया। और सीधे से इसी सवाल पर सर, कि इतने अरसे तक ये जो ज़मीन जो चंद्रावल से हरी भरी हुई थी बंजर हो गई थी और आप फिर सींचने का आपने जो काम किया है, इतने गैप के बाद जब कैसी मुश्किलात और किस तरह का सामना करना पड़ा और कैसे विचार आया सर? नहीं, विचार तो बहुत पहले से था लेकिन सक्रिय रूप से जो मैं जुड़ा हूँ वो पगड़ी के बाद जुड़ा हूँ, पगड़ी सतरंगी के बाद करने के बाद, करते हुए और उसके बाद, क्योंकि वाकई में मुझे बड़ी जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि मैं कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रहा है हरियाणा के अंदर जी, कि अपना नुकसान करके भी अगर कुछ काम करना पड़े तो क्यों नहीं, सिर्फ पैसा तो सब कुछ होता नहीं है जी। कई बार पैसा कमाना सेकेंडरी हो जाता है, कुछ काम ऐसे होते हैं, तो मुझे, मैंने अपने आप को ये जरूर चाहा है
कि पैसे का नुकसान, पैसा तो कितना चाहिए होता है उतना मैं कमाई लेता हूँ। तो कई बार कुछ काम ऐसे हैं, तो ये काम जो है ये मुझे वाकई में बहुत बड़ा काम लगा। मेरी सिंग इज़ किंग, चाहे वो फिल्में कोई भी हों, हिट रही हों, गंगा जल हो, रावड़ी राठौड़ हो, अपहरण हो, उनमें इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जितनी मुझे अपना मन का काम करने में सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो मन का काम कब हो, कैसे हो जी, अपना लिखा हुआ, अपने मन का, अपने 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 अनुसार चलने वाला, अपने टाइप का एक्टिंग, अपने टाइप की डायरेक्शन, अपने टाइप के स्क्रिप्ट, वो कैसे हो सकता है। तो मुझे लगा इससे बढ़िया कुछ नहीं कि आप अपने प्रदेश में करें, और जिससे प्रदेश की जो सूखी मिट्टी है जी, पंजाब की तरह, महाराष्ट्र की तरह, केरला की तरह, और भी कई राज्य, तमिलनाडु की तरह, जो जहाँ का सिनेमा रिच है, इतना बंगाली सिनेमा है जी, इतना रिच सिनेमा है, ऑस्कर तक जाता है, तो हमारा सिनेमा पड़ोस के राज्य भी नहीं जानते हैं। यूपी वालों ने नहीं देखी हरियाणवी फिल्म, चंद्रावल के बाद कुछ लोगों ने देखी है, तो ऐसा क्यों है? अगर पंजाबी सिनेमा पिछले 12 साल से 15 साल से इतना रिच हो सकता है जी, तो हमारा सिनेमा क्यों नहीं हो सकता जी? तो बस वही उसी, और उसके लिए मुझे लगा कि पंडित लक्ष्मी चंद इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट, क्योंकि इसके अंदर एजुकेशन है, महिलाओं की समस्या है, और जात पात की समस्या है, और सबसे बड़ी बात एक धुन है कि इंसान को जो जो धुन लगी हो वही करना चाहिए, माँ बाप उसको ना रोकें कि उसको साइंस में वो करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बच्चे को भी पूछ ले कि उसको क्या करना है, और उसी तरीके से करिए। बहुत बड़ी एक शिक्षा है इस फिल्म के अंदर। सर, जैसा कि आप थिएटर से भी जुड़े रहे और हरियाणा की तरफ से जब आपने बॉलीवुड को रिप्रेजेंट किया तो हमारी निगाहें आप पर टिकी रही तमाम फिल्में देखते हुए, हरियाणा का दर्शक हमेशा आपको एक नज़र से देखता था कि ज़रूर आप कलाकार होते हुए हमारे हरियाणवी कलाकारों के लिए, मंचीय कलाकारों के लिए भी कुछ काम करेंगे। वो आज हमें इस फिल्म में नज़र आ रहा है। आपने उन तमाम लोगों को साथ जोड़ा है, उन तमाम थिएटर के लोगों को एक वक्त दिया है, और इस रास्ते में आगे किस तरह से आप बढ़ रहे हैं और किस तरह की मुश्किलात आपको देखने को मिल रही है? नहीं, देखिए, कोई भी लीक से हटके काम करोगे तो मुश्किलें तो आएंगी जी, लेकिन अगर मुश्किलें ही नहीं आई तो फिर बड़ा काम करने का फ़ायदा क्या हुआ है? और आसानी से कर लिया तो फिर फ़ायदा भी क्या हुआ जी? तो कल को हम अगर मेकिंग ऑफ दादा लक्ष्मी लिखेंगे या देखेंगे तो हमें ये सब मुश्किलें तो देखनी पड़ेंगी, और उसको गर्व के साथ कहेंगे कि हमने ये किया। जैसे लगान के लिए बोलते हैं हम जी, कि हमने ये किया था, इतने टेम्परेचर में काम किया, फिर ये मुसीबत आई, फिर लोगों ने नकार दिया, फिर मजाक उड़ाया, फिर ये हुआ, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ रिजल्ट, दैट्स मैटर। जो चिड़िया की आँख पे नज़र है कि हरियाणा का सिनेमा पूरी दुनिया में जाए, हरियाणा के ऐसे कलाकारों को दुनिया जाने जिनको नहीं जानती है, और उसके लिए जो मेरा सबसे बड़ा एक मकसद था, सारे हरियाणा के कलाकार एक छत के नीचे आएँ, एक साथ काम करें जी। अब मुझे मालूम है एक फिल्म में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी फिज़िकली ना सही, मेंटली भी जुड़ें जी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस मकसद में मैं सक्सेस हुआ हूँ, ऐसा लगता है, पर रिजल्ट बताएगा बाद में कि क्या होता है। मुझे पास फेल का गम नहीं है जी, क्योंकि पास फेल तो नियति के हाथ है कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी, लेकिन इसका जो प्रोसेस है जी, अगर मैंने उसका आनंद नहीं लिया जी, सफ़र का आनंद नहीं लिया तो नैनीताल पहुँचे चाहे मसूरी पहुँचो, कुछ क्या फ़ायदा, कुछ भी बेकार है। लेकिन अगर सफ़र का आनंद आ गया तो कहीं भी पहुँचो, खड़खोदा क्यों ना पहुँच जाओ तो भी मज़ा है। आपके जज्बे को सलाम है और आपकी नियति को सलाम है, शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच। और इसके लिए हम चाहते हैं कि जब भी आप कुछ काम करते हैं, देखिए उसका एक मकसद रहता है, आपने मकसद बताया, अब इस मकसद के लिए हमारा जो श्रोता है, हमारा दर्शक है और जो हमारी ऑडियंस है, कहीं ना कहीं उसको भी परिपक्व होना चाहिए, और एक सीनियर कलाकार के नाते कहीं ना कहीं आपने ज़रूर इस विषय में सोचा होगा, और मीडिया या तमाम वो लोग जो आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं उन्हें कोई एक ऐसा संदेश देना चाहें ताकि हम अपने दर्शकों को परिपक्व कर सकें, मीडिया के लिए, अपने इन फिल्मों के लिए दर्शकों को तैयार कर सकें, कोई ऐसी रणनीति जो आप कहना चाहें दर्शकों? नहीं, रणनीति तो अभी तक नहीं बनी है, फिल्म कम्प्लीट होने के बाद रणनीति शुरू होगी जी। हाँ, लेकिन कुछ भी कह लो, रणनीति इनडायरेक्टली एक शुरू हो ही जाती है कि हम काम कैसे करेंगे जी। तो सबसे बड़ा एक जो चुनौती है वो है दर्शकों को हॉल तक लाना जी। तो अगर दर्शक हॉल तक आना छूट गए हैं अभी, क्योंकि मोबाइल और उसमें टीवी में इतना कुछ मसाला है कि अब दर्शक हॉल तक खींचना बहुत बड़ी बात है, बिना सलमान खान के, बिना अक्षय कुमार के, बिना आमिर खान के, लेकिन
पता नहीं क्यों मुझे अभी लगता है कि कंटेंट जिंदा है, स्टार के अलावा कंटेंट जिंदा है, और कंटेंट अगर स्ट्रोंग होगा और आपकी बात में अगर दम होगा तो पब्लिक आएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, छूट छोड़ेंगे नहीं, और वो आएगी, अच्छा सिनेमा देखने आएगी, मनोरंजन के साथ साथ एक मक वो भी होगा, मर्म भी होगा, मनोरंजन भी होगा, मनोरंजक तरीके से अगर हम अपनी बात कहेंगे तो ज़रूर आएंगे, क्योंकि हम बोर नहीं करना चाहते सारा दिन, रुलाना भी नहीं चाहते लगातार, रोना भी हालांकि कैथोर्सिस है अंदर के, निकलते हैं इंसान के, जो कई जगह नहीं रो पाता है, तो फिल्म देख करके या कोई कहानी नाटक देख करके रोता है, जैसे ग्रीक ट्रेजेडी में है, कैथोर्सिस होते हैं, भड़ास होते हैं, कई जो रोक आंसुओं से निकल जाती है, पवित्र हो जाता है मन, तो उसी तरीके से हंस के भी उतना ही आनंद आता है जितना रो करके आता है, तो हंसी मजाक रोना धोना सब मिक्स करके एक अच्छा पैकेज हो कोई भी फिल्म हो, ताकि दर्शक अगर 100-200 रुपये खर्च करके घुसें और जब बाहर निकलें तो ये ना बोलें कि यार क्या देख लिया, बस ये हमारा मकसद है, दर्शकों की तादाद बढ़ना और दर्शकों को क्वालिटी देना। अभी तक आपने कलाकार के नाते जिस तरह से अहम किरदार निभाए और खूब दांतों तले उंगलियां जो हमारी दबी और चने चबाए आपने, और जब आपके डायलॉग निकलते थे, उर्दू के अल्फाज थे, आपका किरदार था, हम वाह वाह करते थे, और हरियाणा का आपने जो नाम रोशन किया, अब जो नया रूप आपका आया है निर्देशक के नाते और डायरेक्शन में और प्रोड्यूसर होने के नाते, कैसे चैलेंजेस आपके सामने नज़र आ रहे हैं? नहीं चैलेंजेस क्या, काम हर काम नया होता है, मैं तो आनंद लेता हूँ जी, मैं दुखी से अगर दुखी होकर के कोई काम किया फिर तो वो तो मज़ा नहीं है जी। जो भी काम करो तो आनंद लेना बहुत ज़रूरी है, उसको इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, तो अभी डायरेक्शन कर रहा हूँ तो उसका अपना आनंद है, आप अपने मन से सब कुछ करवा रहे हो, सब कुछ करवा, क्योंकि अभी तक बिना डायरेक्शन, नाम नहीं था डायरेक्शन का, लेकिन हर जगहों पर कहीं ना कहीं हमारा एक आइडिया तो होता था जी, चाहे वो नीली छतरी वाले हो, चाहे कुछ फिल्में रही हो, अहम फिल्में रही हो, सतरंगी हो, हमारा कुछ आइडिया तो रहता है कि कहीं ना कहीं हम उसमें हेल्प कर रहे हैं जी। तो ये बस हेल्प नहीं ले रहे, अपने आप ऑटोनोमस अकेला डायरेक्ट कर रहा हूँ, बस इतना ही फ़र्क है, अदरवाइज़ हमारे अंदर कहीं ना कहीं एज एन एक्टर एक राइटर और एक डायरेक्टर छुपा होता है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है जी, जो कि होना चाहिए। तो मुझे इतनी अच्छी स्क्रिप्ट मिली है राजीव मान के थ्रू, मुझे इतना अच्छे एक्टर मिले हैं चारों तरफ, सुमित्रा हुड्डा जैसे, अल्पना सुहासिनी जैसे, राजू मान जैसे, और रवि चौहान जैसे, और पता नहीं एक भरमार है मेघना मलिक जैसी, मतलब लीजेंडरी एक्ट्रेस जिन्होंने कमाल का काम किया है, राजेंद्र गुप्ता जैसे एक्टर, और भी कितने कितने लोग हैं जो भरमार है, और मैं उन एक्टरों को अपने उसमें सही यूज़ हो, चाहे एक दिन के लिए आएँ चाहे एक सीन के लिए आएँ, लेकिन उनका यूज़ प्रॉपर हो, उनको मैं मिस यूज़ ना करूं या ऐसे वेस्ट ना हो जाए, मेरा पूरी कोशिश रहेगी, और एज ए डायरेक्टर और एज एन एक्टर अपने आप को सामंजस्य स्थापित कर पाऊं, इसलिए मैंने ये फिल्म दो पार्ट में की है, तो पार्ट वन में मेरा काम बहुत कम है, शुरू में और आखिर में है, मतलब है सॉलिड है, अच्छा काम है, लेकिन इतना लंबा नहीं है, इसमें बच्चा है और एक यंग लड़का है, तो जो बहुत 18 साल का 20 साल का, कि दो हीरो हैं हमारे और मैं भी हूँ, लेकिन मैं एंजॉय कर रहा हूँ उसको, ताकि मेरे आदत पड़ जाए सिर्फ डायरेक्शन की, बाद में जब होगा तो उसमें मेरा मेन पार्ट टू में मेरा ही मेन होगा रोल, तब शायद तब देखूँगा क्या दिक्कतें आ रही हैं, अभी तो इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है। चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे आने वाले इस बंजर भूमि पर जो दोबारा से हरियाली की बात आई है, एक लहर दौड़ी है, जो लोग और आपकी तरफ देख रहे हैं, राह तक रहे हैं, जो लोग फिल्म में, स्क्रिप्टिंग में, राइटिंग में, एक्टिंग में अपना करियर देखते हैं, वो आपकी तरफ एक नज़र टिकटिका के बैठे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं कौन होता हूँ संदेश देने वाला, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे लोग हैं, यूट्यूब है, ट्रेनिंग है, बहुत भरमार पड़ी है, लेकिन हाँ मैं अपना POV दे सकता हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू मेरा क्या है, मेरा नज़रिया क्या है, मेरा नज़रिया इतना ही है कि आजकल लोगों को बहुत जल्दी पड़ी है, सब कुछ मतलब मैगी की तरह 2 मिनट में चाहिए, 2 मिनट में एक्टर बनना है, 2 मिनट में फिल्में चाहिए, 2 मिनट में स्टार बनना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और वो अगर होता भी है तो उसी तेज़ी से नीचे भी जाते हैं आप, तो मुझे लगता है कि वो एक पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है सबके लिए, और क्योंकि मेरा डायलॉग भी है इसमें एक कि हम तानसेन बहुत जल्दी बन जाते हैं, कानसेन नहीं बनते हैं, सुनते नहीं हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, और जब तक हम सुनेंगे नहीं, ग्रहण नहीं करेंगे, तो फिर बोलेंगे क्या, तो मेरी यही है कि सब लोगों से थोड़ा सा कानसिन बने, सुने और पढ़ें, लिटरेचर पढ़ें, अच्छा और अच्छी फिल्में देखें, अच्छा साहित्य पढ़ें,
तो मुझे लगता है बहुत कुछ होने वाला है। हेलो हरियाणा को मैं धन्यवाद करता हूँ